आज क्लास थ्री वाले बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा क्रियाकलाप के तौर पर, एक्टिविटी के तौर पर इन बच्चों को दिया गया है बोर्ड पे लिखने के लिए। आप देख सकते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, जिसमें बारी बारी बच्चे आ रहे हैं और जो कुछ उनको समझ में आ रहा है लिविंग थिंग के अंतर्गत और नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत बच्चे लिख रहे हैं बारी बारी से आकर। और जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, चूँकि इन बच्चों को बोला गया है कि अपने दिमाग में रखना है, जहाँ गलती रहेगा आप लोग बताओगे कि सर गलती लिख दिया है, थोड़ा छोटा लिखेगा ताकि सब लोग काट जाए। इस बार आंसू का नंबर, और इससे बच्चों में जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के जो जो बातें इनको समझनी चाहिए वो एग्जाम्पल के तौर पर विशेष रूप से समझ में आएगा, चूँकि इसका क्लास पहले ही करवा दिया गया है। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग पढ़ाया गया ना आप लोग को? पढ़ाया गया है। अब बारी है कि लोगों को कि उसके एग्जाम्पल्स लिखे जाए। हालांकि इससे पहले कल के डेट में एग्जाम्पल्स लिखकर भी मैंने लाने के लिए बोला था, जिसमें कुछ बच्चे लिखकर लाए थे, कुछ बच्चे लिखकर नहीं भी लाए थे। तो मैंने सोचा कि आज क्लासरूम के ही अंतर्गत यहाँ एक बोर्ड पे लगाया जाए और लिविंग थिंग एक साइड नॉन लिविंग थिंग, बारी बारी बच्चे आ रहे हैं बीच से और वो लिखते जा रहे हैं। इसी क्रम में इस बार नंबर है आदित्य का, आदित्य भी लिख रहा है। क्या लिख रहा है थोड़ा बोल के लिखेगा? टाइगर। टाइगर नहीं हुआ था ना, जो एक बार हो जाएगा उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। चलिए देर नहीं करना है, जल्दी जल्दी आते जाना है और अपने बोर्ड पे लिखते जाना है। यहाँ है ना सीट, पूरा सीट खाली है। तुम बोल रहा सीट ही नहीं है जी, बोल। पेन, बहुत बढ़िया। पेन हो गया है, सुनो ए पेन हो गया, कहाँ हो गया पेन? पेन हो गया, जल्दी करो, दूसरा उसको करो। एक चीज जो हो जाएगा उसको दोबारा रिपीट नहीं होगा। लिविंग थिंग किसको हम बोलते हैं बताओ आप? जो सांस लेता है, जो मूव करता है, इधर उधर जाता है, इसके अलावा जो वृद्धि होता है, सांस ले सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे? सजीव या लिविंग। और नॉन लिविंग थिंग निर्जीव, यानी जो सांस नहीं लेता है, जिसमें वृद्धि नहीं होता है, जो इधर उधर घूम टहल नहीं सकता है, उसको नॉन लिविंग थिंग। बच्चे बारी बारी से बेंच बाय बेंच आ रहे हैं, फुल्ली डिसिप्लिन मेंटेन है। क्लासरूम क्लास थ्री है ना? यस सर। क्लास थ्री मंकी और क्या लिखा है? व्हाइट बोर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे वाला नंबर लगा लो। फिर गर्ल्स की भी बारी आएगी। अपने दिमाग में आप लोग सोच के रखेंगे कि हमें जाकर बोर्ड पे क्या लिखना है। बोर्ड पर आने के बाद आपको सोचना नहीं है, सीधा वहां लिखना है। समझ में आ रहा है ना? yes, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? आप लोग को अच्छा लग रहा है? yes, हमें भी काफी अच्छा लग रहा है। इन बच्चों को ये देखकर कि बच्चे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि बच्चों को घर से भी लिख कर लाने के लिए बोला गया था, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं तो हो सकता है बुक से देखकर लिखे होंगे या फिर किसी से पूछ कर लिखे होंगे। और यहाँ पर सामने आंखों देखा हाल जो बच्चे बेंच हो गया तो दूसरा बदलो तुम। बच्चे सामने रहेंगे और सामने देखेंगे, सामने सीखेंगे। तो जो हो गया उसको रिपीट नहीं करना है, आप लोग देखते रहोगे क्या चीज हो गया, उसके अलावा क्या लिखना है, नहीं तो फिर 10 times अप डाउन करने के लिए तैयार रहोगे। बेंच दो दो जगह है तो फिर टेबल भी हो गया है, तुम 10 times अप डाउन कर लेगा फटाफट। अपने दिमाग में सोच के रखेगा जो ऊपर तक नहीं लिखाया, नीचे तक नहीं लिखाया है, वही वर्ड लिखना है जो उस बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। चलिए, क्योंकि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स फिक्स नहीं है कि 10 है 20 है 50 है 100 है, जितना मन है उतना हो सकता है, तो आपको ये सोच कर रखना है। चलिए गर्ल्स आइए, अनुराधा जहाँ गलती रहेगा आप लोग बताओगे। जी आई आर एल, वाह ये तो गर्ल ही लिख दी जो कोई नहीं लिख पाया था। उधर क्या लिख रही है? टॉय। बहुत बढ़िया। आगे कुछ इस प्रकार से इन बच्चों को एक्टिविटी
ताकि बच्चे यहाँ सीख पाए। और इन बच्चों को एक बार चैप्टर पढ़ाया गया है, साथ में चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाया गया है कि नहीं? अभी क्वेश्चन आंसर करवाया गया है? अभी आंसर क्वेश्चन नहीं करवाया गया है, लेकिन उससे पहले बुक का चैप्टर पढ़ाने के बाद इन बच्चों को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग लिख कर लाने के लिए कहा गया था। बच्चे कुछ लिख कर लाए, कुछ नहीं भी लिख कर लाए, तो मैंने ये सोचा कि यहाँ एक्टिविटी करा दिया जाए ताकि बच्चे बोर्ड पर आएँ और लिखते जाए। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। बहुत उम्मीद के साथ हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग सोच के रखना, सोच रहे हो ना? हाँ। और सोचा हुआ दिन लिखा जाए तो फिर दूसरा भी सोच लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखा गया तो जो तुम सोचे होगे वो हो सकता लिखा गया होगा, तो फिर दूसरा वर्ड सोच ही लेना है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। बाकी इन बच्चों को मैंने लिखा हुआ है तो फिर 10 times तुम अपडाउन कर लेगी, इसलिए सोचते जाना है। ऐसा वर्ड लिखना है जो इस बोर्ड पे ना लिखा हुआ हो, BAFFALO बुफैलो। बुफैलो सही है जी? ये कहाँ होता है बुफैलो? जो मन में आया सो लिख रहा है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।